नमस्कार, मैं आपका दोस्त हरप्रीत दुबे आज आप लोगों के लिए हिंदी के 50 प्रश्न लेकर के आया हूँ। यहाँ मैं प्रश्न आपको बताता जाऊँगा और इनके आंसर बोलता जाऊँगा और टिक भी कर दूँगा, जिससे आप लोगों को ये आंसर पता चलते रहें। पहले आप लोग अपने दिमाग में सेट करेंगे कि क्या इसका आंसर होना चाहिए और उसके बाद मैं आंसर बता दूँगा। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपको प्रश्न दिख रहा होगा, चलिए मैं ये 3 प्रश्न पहले आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ और इनके आंसर भी क्लिक करता जाऊँगा। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि निम्न में रीतकाल का कवि कौन है, और आपके ऑप्शन दिए गए जयशंकर प्रसाद, सूरकांत त्रिपाठी, निराला जी, बिहारी जी और सुमित्रानंदन पंत जी। पहले आप सेट कर लीजिएगा कि आपके आंसर क्या आया होगा। ठीक है, सेट कर दिया, मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा आपका बिहारी जी। ठीक है, रीतकाल के कवि जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? बिहारी जी को। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक पूछे गए हैं। ऑप्शन हमारे पास हैं किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद जी, भगवान दास जी। तो इसका जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, उसका प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, उर्वशी किसका महाकाव्य है? तो हमें नहीं लगता कोई भी बच्चे को उर्वशी के बारे में ना पता हो। उर्वशी जो महाकाव्य है वो सॉरी उर्वशी जो काव्य है वो आपका है रामधारी सिंह दिनकर जी का। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा। बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत बच्चे जयशंकर प्रसाद टिक कराते हैं, जबकि ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है आपका। उसके बाद प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो पैराग्राफ से आपका, पैराग्राफ से आपका प्रश्न नंबर 4-5 इस तरीके से बना हुआ है। तो कहा है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस नाम का है, किस काम का है? प्यारी मनुष्य जात का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है, बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम प्राप्त होने का चैतन्य आत्मा की पूजा से ही पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूत की धारा जब मनुष्य के प्रेम में हृदय निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से मिलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है कि किससे रहित राज्य किस काम का है। तो सीधी सी बात है, पैराग्राफ में साफ साफ कहा गया है प्रियजनों से आपका, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अगला है, जगत का अर्थ क्या है? अच्छा, जगत का अर्थ तो हम लोग संसार से ही तो कहते हैं, इस जगत में ऐसा नहीं होना चाहिए, इस संसार में ऐसा नहीं होना चाहिए। निष्फल का आशय क्या है? निष्फल का आशय मतलब है व्यर्थ है आपका। तो यहाँ पर चौथे का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, पांचवे का बी हो जाएगा और छठे का क्या हो जाएगा? डी। बात समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका कह रहा है कि सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है आपका। तो सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ आपका सुख के खेतों को, तो सीधी सी बात है जीवन को क्या है? सुखमय बनाना है, तभी तो कह रहा है ना हरा भरा और प्रफुल्लित। तो जीवन को कैसा बनाना है? आपको सुखमय बनाना है। उसका देखिएगा नेक्स्ट आपका, निम्न में कह रहा है, निम्न में दीर्घ स्वर है आपके पास। देखो ऑप्शन ये दिए गए हैं, अब थोड़ा इसको दिख रहा होगा आप लोगों को। निम्न में दीर्घ स्वर है आपका, तो दीर्घ स्वर आपका ऑप्शन नंबर बी में है, क्योंकि दीर्घ स्वर पूछा गया है। कह रहा है निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन आपका हो जाएगा किसमें? आपका सी में, ऑप्शन नंबर सी मतलब हुआ। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण, महाप्राण ये आप लोगों को पता होने चाहिए, तो इसमें दसवें का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, गा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा घोष वर्ण है आपका? तो 11वें का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए आपका। ठीक है, घोष वर्ण हो जाएगा आपका आ, मतलब जा, जा जो है वो आपका क्या है? घोष वर्ण है। उसका देखिएगा ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ वर्ण आप लोगों को पता होगा, ओष्ठ वर्ण आपका है ऊ, डी। ठीक है, निम्न में से योग रूण शब्द कौन सा है? तो योग रूण शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? जलज हो जाएगा आपका बी ऑप्शन मतलब। ठीक है, उसके बाद महोत्सव का संधि विच्छेद, तो महोत्सव का संधि विच्छेद आप लोगों को पता होना चाहिए भैया, बहुत सिंपल सा है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका, सी ऑप्शन होगा महाधन उत्सव आपका। क्लियर, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। देखिए बिल्कुल सिंपल सा आपका, बैलगाड़ी में समास है आपका, बैलगाड़ी में समास आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास आपका। आगमन में उपसर्ग है आपका, तो आगमन में उपसर्ग आपका ए ऑप्शन आ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 17 नंबर आपका, सब बढ़िया प्रश्न है आपके, एग्जाम
के आए हुए हैं। ये पेपर है आपका, वीडियो का पेपर है आप लोगों का। रसोइया में प्रत्यय आपका, तो रसोइया में प्रत्यय आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, इया। फिर कह रहा है निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम शब्द आपका यहाँ पर छाटना था, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन आपका। तत्सम और तद्भव दो प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइएगा, 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। देखिएगा वहाँ पर आपसे तत्सम पूछा गया, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, तद्भव आपका। तो तद्भव अगर आपसे पूछा गया तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या है, तद्भव आपका। क्लियर, तत्सम और तद्भव, तो तद्भव यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीव। फिर कह रहा है निम्न में कौन सा शब्द देशज है आपका, तो गोबर, घोड़ा, हल्दी और कटोरा आपका। देशज शब्द अगर पूछ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कटोरा। कटोरा क्या है, देशज शब्द है आपका। देशज पूछा गया तो कटोरा आंसर हो जाएगा। उसका प्रश्न नंबर 21 आप देख लीजिए, जगह 21 का आपका हो जाए निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है आपका, तो विदेशी जो शब्द है वो है आपका टिकट। टिकट शब्द कैसा हो जाएगा आपका, विदेशी शब्द हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर निम्न में संज्ञा शब्द है आपका, तो निम्न में संज्ञा शब्द आपका हो जाएगा सभा। सभा शब्द क्या हो जाएगा आपका, संज्ञा, अर्थात सी ऑप्शन आपका। उसका 23 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पर सर्वनाम शब्द पूछा गया, तो सर्वनाम शब्द आप लोगों ने पढ़े होंगे तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। सर्वनाम शब्द हो जाएगा कौन, अर्थात डी ऑप्शन आपका। उसके बाद आ जाइएगा नेक्स्ट आपका प्रश्न है निम्न में कौन सा विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द आपका बिल्कुल सिंपल सा आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी ऑप्शन आपका, उचित। उचित जो है वो आपका क्या है, विशेषण शब्द है आपका। निम्न में कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया आपकी हो जाएगी क्या, यस सी ऑप्शन आपकी, गिराना आपका। उसके बाद निम्न में आपका पूछा गया है अव्यय कौन है आपका, तो 26 का आंसर हो जाएगा ठीक आपका, मतलब बी ऑप्शन। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ, बाद बाकी इसका स्पष्टीकरण छोटी छोटी वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, उनको आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, चैप्टर बाय चैप्टर दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप क्लियर कर लेंगे कि क्यों इसका ये आंसर है आपका। उसके बाद देखिएगा 27 नंबर आपका, 27 पूछा गया है पक्षी का पर्यायवाची आपसे, तो पक्षी का पर्यायवाची यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, बेहग आपका। उसका जटिल का विलोम होगा आपका, तो जटिल का विलोम जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, जटिल है तो भैया क्या है, विलोम पूछा गया तो सरल हो जाएगा, तो जटिल का विलोम क्या हो जाएगा, सरल आपका। उसका प्रश्न नंबर कह रहा है जो देने योग्य है के लिए एक शब्द आपका, तो देने योग्य के लिए अगर कोई शब्द है तो भैया आपका देह बोला जाएगा आपका, अर्थात बी ऑप्शन। उसका देखिएगा 30 नंबर आपका दिन दीन शब्द युगम का सही अर्थ है, तो दिन दीन शब्द का सही जो अर्थ है वो हो जाएगा आपका दिवस और गरीब। दिन का मतलब हो जाएगा दिवस, दीन का मतलब हो जाएगा क्या भैया आपका, गरीब। उसका देखिएगा नेक्स्ट आपका कौन सा था, 30 नंबर था। 31 नंबर प्रश्न पर चलते हैं हम लोग, निम्न में थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं तो आप लोगों को और अच्छा लगने लगेगा, चलिएगा हाँ ठीक है। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है आपका, तो निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है, तो अंबर आपका, मतलब सी ऑप्शन। फिर कह रहा है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, परीक्षा आपका। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध की मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द आपका अगर पूछा गया है तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन आपका। ठीक है, ये अशुद्ध शब्द है आपका, प्रमाणिक जो है वो कैसा शब्द है आपका, अशुद्ध शब्द है आपका। क्लियर, उसके बाद आ जाइएगा निम्न में अधिकरण कारक का परसर कौन है, तो अधिकरण कारक का देखिए कारक का एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, तो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, अर्थात पर आपका। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में भाववाच्य है आपका, तो भाववाच्य यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, बैठा नहीं जाता है, मोहन से बैठा नहीं जाता है, तो भाववाच्य हो गया आपका, बैठा नहीं जा रहा। उसके निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है आपका, तो मिश्र वाक्य अगर पूछा गया है तो मिश्र मतलब हो गया जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, मतलब जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, तो ये मिश्र वाक्य हो गया आपका डी ऑप्शन। उसके बाद आ जाएगा 41 आपका, 41 कह रहा मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो शुद्ध और अशुद्ध का एक वीडियो अपलोड है, तो मैंने विद्यालय जाना है नहीं होता है। ठीक है, मैंने जो शब्द है वो आपका क्या है, अशुद्ध है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर है प्रश्न चिन्ह कौन सा है, तो ये तो हमें नहीं लग रहा कोई बच्चा नहीं बता पाएगा, प्रश्न चिन्ह तो बिल्कुल सिंपल है आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क ही लगा देते प्रश्न चिन्ह हो गया आपका। उसके बाद आइएगा नेक्स्ट आपका
सवाल नंबर 42 के 43 पर आ जाते हैं। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आसमान फट जाने मुहावरे का सही अर्थ है अचानक आफत आ पड़ना। कभी क्या होता है अचानक आफत आ पड़ती है तो आसमान फट जाना उसको प्रयोग किया जाएगा। उसका नेक्स्ट है स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या है आपका। तो स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा जो हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, पैरों पर खड़ा होना। कहा जाता है स्वावलंबी बनो, अपने पैरों पर खड़े हो। बोए पेड़ बबूल के और आम कहाँ से होए लोकोक्ति का सही अर्थ। तो भैया लोकोक्ति की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो पड़ी हुई प्लेलिस्ट में जाकर के आप जरूर देखें तो आपको बहुत अच्छी अच्छी लोकोक्ति पता चल जाएंगी। बोए पेड़ तो बबूल के आम कहाँ से होए, तो 45 का आंसर हो जाएगा बी। जैसा आपका क्या है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका जैसा कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका। उसका 46 देख लेते हैं। लाभ ही लाभ का अर्थ है आपका, लाभ ही लाभ। तो कहते हैं ना भैया इनको तो लाभ ही लाभ हो रहा है, मतलब पांचों उंगलियां इनकी कहाँ हैं, घी में हैं आपकी। उसका 47 देख लेते हैं। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। मूल पाठ का व्याख्या के साथ जो अनुवाद होता है वो कहता है व्याख्यानुवाद, अर्थात डी ऑप्शन आपका। उसका 48 देख लीजिए। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है। तो ब्रज हिंदी की आपका जो है वो पश्चिमी हिंदी की भाषा के उपभाषा के अंतर्गत आता है, अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। 49 देख लेते हैं आपका, के लिए सटीक शब्द क्या है। ठीक है, तो सटीक शब्द हो जाएगा आपका यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, संशोधन आपका, संशोधन आपका हो जाएगा सटीक शब्द आपका। उसका नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न सिंपल सा आपका। सूर सागर के रचयिता कौन है। तो सूर सागर के रचयिता आपके कौन है भैया, सूरदास जी हैं। सिंपल सा है आपका, सूर सागर के रचयिता आपके कौन हैं, सूरदास जी आपके। क्लियर। तो ये आपके हिंदी के 50 प्रश्न थे, सिर्फ उद्देश्य ये था कि आप तक आंसर इनके पहुँचा दिए जाएँ। इसको 2-3 बार आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें आप ज़रूर सीख जाएंगे। बाद बाकी अगर पेपर आपको चाहिए कि पेपर आप लोगों को कैसे मिलेगा, तो आप लोग 9565445445 और 443 नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना नाम और जगह का नाम लिख करके आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं और पेपर के लिए आप बोल सकते हैं, आप लोगों को पेपर मिल जाएगा। डेली 3 PM पर आप लोगों की लाइव क्लास होती है, आप ज़रूर जुड़ें। ठीक है, और डेली क्लास लें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।